तो यदि आप भी अपने पीएफ यानी ईएन नंबर का पासवर्ड भूल चुके हैं और आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं पीएफ का, और या हो सकता है आप पीएफ ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए पासवर्ड हम कैसे पता करेंगे? तो पासवर्ड को पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे UAN और फर्स्ट वाले एम्प्लॉई प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना ईमेल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे ईमेल नंबर और कैप्चा दोबारा यहाँ पर फिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर ईमेल नंबर यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा इंटर कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चर इंटर कर लेंगे। आधार नंबर और कैप्चा इंटर करने के बाद वेरीफाई वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड से लिंकेड मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर इसको टिक कर देंगे और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपने जो नंबर दिया उस पर OTP जाएगा और यहाँ पर हम अपना OTP इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, न्यू पासवर्ड यहाँ पर अपना एक जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड यहाँ पर दो बार सेव कर लेंगे और उसके बाद सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंजेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन। यहाँ पर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली इस तरह से चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ आई है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको सही जानकारी मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।